क्यों करते हैं रुद्राभिषेक, आइए जानते हैं रुद्राभिषेक के 10 लाभ। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है और रुद्र का अभिषेक सदा फलदायी होता है। रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व होता है, खासकर महाशिवरात्रि पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव विवाह बंधन में बंधे थे, इसलिए महाशिवरात्रि पर शिव भक्त शिव पार्वती की अलग अलग तरह से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन माना जाता है कि रुद्राभिषेक एक ऐसी पूजा विधि है जिसका विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। मित्रों, भगवान शिव के प्रिय माह सावन में भगवान सदाशिव रुद्र की विशेष पूजा के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, यानी भगवान शिव को स्नान कराना। तंत्र साधना में रोगों से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने के बारे में बताया गया है। आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं रुद्राभिषेक से होने वाले फायदे के बारे में। सावन के अलावा आप महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत या फिर उस दिन जब शिववास हो तो रुद्राभिषेक कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी देवताओं की आत्मा में भगवान सदाशिव रुद्र विराजमान हैं। इनकी पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। भगवान भोलेनाथ महाकाल हैं, उनकी पूजा से अकाल मृत्यु का संकट भी दूर हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने रुद्राभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न किया तो वह त्रिलोक विजयी बन गया। वहीं भस्मासुर अपने आंसुओं से रुद्राभिषेक करके शिव कृपा का पात्र बना। रुद्राभिषेक पंचामृत से करते हैं या फिर दूध, दही, घी, शहद आदि से अलग अलग कर सकते हैं। जबकि तंत्र साधना में रोगों से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं रुद्राभिषेक से होने वाले फायदे। मित्रों, कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है। शिव कृपा से ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, व्यक्ति उन्नति करता है। अपने दुश्मनों को हराना हो या फिर कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो भी रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अकाल मृत्यु का भय हो या फिर किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो रुद्राभिषेक करना चाहिए। सुख, शांति, धन, संपत्ति, वैभव आदि की प्राप्ति के लिए भी रुद्राभिषेक एक महत्वपूर्ण साधन है। शिव आशीष से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मकान या नई गाड़ी की चाह है तो दही से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करते हैं, जबकि धन संपत्ति में वृद्धि के लिए शहद और घी से रुद्राभिषेक किया जाता है। ग्रह दोष शांति के लिए गंगाजल और घर में क्लेश को दूर करने के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। सुख और शांति के लिए दूध से रुद्राभिषेक करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए गाय के दूध या फिर जल में शक्कर मिलाकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। दुश्मनों पर विजय के लिए भस्म या फिर सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शनि का दुष्प्रभाव भी इससे दूर होता है। असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करते हैं। रोगों को दूर करने के लिए जल में इत्र डालकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उत्तम सेहत के लिए भांग से भी रुद्राभिषेक होता है। पातक दूर करने के लिए शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। घी से रुद्राभिषेक करने से व्यापार में लाभ होता है। शहद से रुद्राभिषेक कराने पर सफलता, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मित्रों, आइए अब रुद्राभिषेक के लिए जरूरी सामग्री को जानते हैं। आप खुद भी घर पर रुद्राभिषेक करते सकते हैं या फिर किसी पुरोहित के द्वारा भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए आपको गाय का घी, चंदन, पान का पत्ता, धूप, फूल, गंध, बेलपत्र, कपूर, मिठाई, फल, शहद, दही, दूध, मेवा, गुलाब जल, पंचामृत, गन्ने का रस, चंदन, गंगाजल, शुद्ध जल, सुपारी, नारियल, श्रृंगी आदि की आवश्यकता होगी।
रुद्राभिषेक से पहले इन सामग्रियों को एकत्रित कर लें। अब आइए रुद्राभिषेक की विधि को जानते हैं। रुद्राभिषेक के लिए शिवलिंग को उत्तर दिशा में रखें और आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। श्रृंगी में सबसे पहले गंगाजल डालें और अभिषेक शुरू करें। फिर इसी से गन्ने का रस, शहद, दही, दूध, जल, पंचामृत आदि जितने तरल पदार्थ हैं, इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। रुद्राभिषेक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् का जाप करते रहें। इसी के साथ आप शिव तांडव स्तोत्र ओम नम शिवाय या रुद्रा मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं, पान पत्ता, बेलपत्र, सुपारी आदि सभी चीजें अर्पित करें और भोग चढ़ाएं। शिवलिंग के पास धूप दीप जलाएं, अब शिवजी के मंत्र का 108 बार जाप करें और परिवार समेत आरती करें। रुद्राभिषेक के जल को किसी पात्र में एकत्रित करते रहें और बाद में इसी जल से पूरे घर पर छिड़काव करें। इस जल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, इससे रोग दोष दूर हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप अपने घर में रुद्राभिषेक कैसे कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपने घर में रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक थाली में शिवलिंग स्थापित करें। एक थाली में फूल, अगरबत्ती, घी, दही, कच्चा दूध, जल, मिठाई, गंगाजल, कपूर, सुपारी, बेलपत्र आदि लगाकर रख लें। फिर पूर्व दिशा में आसन लगाकर बैठें। शिवलिंग के दाईं ओर घी का दीपक जलाकर रख दें। अब ओम नम शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र, दीपक और फूल अर्पित करें। ओम नम शिवाय के जप के साथ ही पंच पदार्थों जैसे कच्चा दूध, दही, शहद, घी और बूरा को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद गंगाजल चढ़ाएं, शिवलिंग को साफ कर लें और दाहिनी उंगली से चंदन लगाएं। शिवलिंग पर वस्त्र, जनेऊ चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, बेलपत्र, दूब घास चढ़ाएं। रुद्राभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें।